भी ठीक है, बस साथ ही बैठे हैं। देना जरा हमको। अच्छा एक मिनट। ये थप्पड़ क्या आपको पड़ी है तभी आपको पता है। नहीं 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 यार, वो कुछ कह लो ना, कॉमन सेंस भी होती है। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन हमारा झगड़ा हो गया, तो मेरे को कहती कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, मैंने कहा चली जा। उसके बाद आप मानोगे नहीं, एक दिन नहीं दिखी, दो दिन नहीं दिखी, तीसरे दिन भी नहीं दिखी। मैं डर गया, मैंने कहा भाई कहाँ चली गई। उसके बाद चौथे दिन जब ये हल्की हल्की चीजें पकड़ी है ना, तब जाके दिखाई दी है थोड़ी थोड़ी। तुमने तो कहा था रात को खाने में दो ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो दो ही हैं, खाओ या मत खाओ। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो मुझे आप करके बुलाया करो। Shut up. पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। दूर दूर से भी नहीं आ रहे उमर भाई, आप हिम्मत करें ना। सिर्फ 1400 रुपए। रुक मैं कॉल करता हूँ। सुनो, अपने जो पड़ोसी है ना, उन्होंने नौकर रखा है, 1400 रुपए में झाड़ू पोछा बर्तन सब। क्या बोलती हूँ, अपने भी ट्राई करें? क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? बेबी चलो डिनर कर लो। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, जाहिल औरत। रात का बचा हुआ खाना है। हेलो हेलो, सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता है, बीवी तो गई, तू 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यार ना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर ले यार, खराब कर दी इस जगह। सुनो, किचन से एक गिलास पानी ला देना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मर्द से ये कह रही हो कि इस टाइम उठूं और तुम्हें जाके किचन में से पानी पिलाऊं, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक आदमी काम पे लगा हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड बिजी है, उससे तुम कह रही हो कि उठो और किचन में से पानी लेके आओ? यार हमेशा ये याद रखना, कभी हिम्मत मत करना ये बोलने की कि मैं इस टाइम उठो किचन में से और तुम्हें पानी पिलाऊं। कुछ और काम क्यों है? मुझे लगा कि आपकी झट में पानी पिलाया है। गजब बेइज्जती। सुनो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे पार्लर जाना है। एक सेकेंड। अरे 5000 क्यों किए, 1000 ही चाहिए थे। जैसी तुम्हारी शक्ल है, 1000 रुपए में कुछ होगा। चार बार फोन कर दिया मैंने, उठाया क्यों नहीं? सो रही। अब सॉरी सॉरी। सो रही थी, शक्ल देखिए सॉरी वाली। मैं ज्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। क्या देख रहे हो? यार मुझे तुम्हारे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू। और आज तो यार ये कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हैं। थैंक यू। क्या मैं एक बार टच करके देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। जब मैं तुम पे चिल्लाता हूँ तभी पागल दे रहा था। टॉयलेट साफ करके। पागल औरत। मैं टॉयलेट आपके टूथब्रश से साफ करती हूँ। अरे अरे क्या हुआ, क्यों मार रही हो? तुमने मेरी चाय में ताबीज मिलाकर मुझे वश में करने की कोशिश की है। अरे यार वो ताबीज नहीं, वो टी बैग है। ईशा अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? तुम्हें बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। बंद कमरों के पीछे ये कुछ होता है।
मैं तो कुछ और समझ रहा था, बड़े नॉटी हो गए। क्या हो गया, पागल हो गई हो? सुन रहे, आप उसी को मारते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। आपने मुझे मारा? ओ लड़की का हाथ लगा, मैं भी अम्मी को बताती हूँ, मुझे मारता है। तो जी उमर भाई, फिर आपको अमन जबान और मुश्तबा लखानी की ये हस्बैंड वाइफ कॉमेडी कैसी लगी? बड़े मजे की थी इनकी कॉमेडी, बड़ा मजा आया देख के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी हमारी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगेगी। तो बाकी ये शुगर मेला लगता रहता है मियां बीवी में, इससे ना जरा प्यार मजबूत होता है मियां बीवी का, आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है। ये हस्बैंड वाइफ कॉमेडी देख के ना तो मुझे बड़ा मजा आता, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। तो खड़े हैं ना इसलिए इंजॉय कर रहे हैं। तो जी जिस तरह मैंने एंजॉय किया, अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया तो हमें कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और न्यूट्रल बोर्ड्स को बेल आइकन भी तो दबाएं। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।